दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय युवान ट्रेडिंग कंपनी डिडवी डिक्कर हमीरपुर। सभी प्रकार के पावर टूल्स, इंडस्ट्रियल टूल्स और आटा चक्की इत्यादि के लिए संपर्क करें। जिला सिरमौर में लगाई जाने वाली मक्की की फसल इन दिनों रोग की चपेट में है। फॉल आर्मी वर्म से प्रभावित मक्की की फसल विभिन्न क्षेत्रों में बर्बाद होकर रह गई है, जिसके चलते किसानों अपनी फसल का मेहनताना भी मिलता नहीं दिख रहा है। किसानों ने कहा कि कृषि विभाग मक्की की फसल में होने वाले रोगों के प्रति कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों की मुख्य नकदी फसलों में मक्की की फसल भी शामिल है। उन्होंने कहा कि अगर समय रहते मक्की की फसल में होने वाले रोगों के प्रति ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोगों को मक्की खाने को भी नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज मक्की की फसल में लगने वाले रोगों के कारण किसान मक्की की फसल से मुंह मोड़ने लगे हैं। किसानों ने मांग की है कि शोधकर्ताओं को समय रहते फील्ड इंस्पेक्शन करना चाहिए ताकि फसलों को समय रहते बीमारियों से बचाया जा सके। कृषि उप निदेशक डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि जिला सिरमौर में 24,000 हेक्टेयर भूमि पर मक्की की फसल उगाई जाती है। इन दिनों बारिश कम होने के चलते मक्की की फसल में फॉल आर्मी वर्म रोग की चपेट में आई है, जिससे 25-30% फसल बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसा बारिश कम होने और समय पर न होने के कारण होता है। उन्होंने किसानों को सलाह देते हुए कहा कि अपने खेतों का समय समय पर निरीक्षण करें और जो पौधा बीमारी की चपेट में आया है उसको नष्ट करें ताकि समय रहते यह बीमारी अन्य पौधों में फैलने से रोकी जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को अपने खेतों में पक्षियों के बैठने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ताकि पक्षी इन कीड़ों को खा सके, जिससे बीमारी फैलने से रुक सके। उन्होंने कहा कि इसके अलावा अगर बीमारी नहीं रुकती तो किसान दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिला सिरमौर में जो है वो फॉल आर्मी वर्म जो कीड़ा है जो कि मक्की की फसल को नुकसान करता है उसका प्रकोप हुआ है। इस वर्ष एक तो बारिशें जल्दी आने के साथ साथ लोगों ने बिजाई भी बहुत जल्दी कर दी और उसके बाद बीच में कुछ सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हुई, तो जिसके कारण कि जो है इस कीट का प्रकोप जो है वो बढ़ा है। सिरमौर जिला में मक्की की खेती जो है लगभग 24,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर की जाती है और जो अभी तक हमने इसका जो नुकसान आंका है वो 24-25% के करीब जो हमने आंक रखा है। इसका नुकसान जो है विभिन्न ब्लॉकों से नाहन और पौंटा ब्लॉक में इसका ज़्यादा प्रकोप हुआ था, बाकी ब्लॉक में इतना ज़्यादा नहीं है। इस के रोकथाम हेतु एक तो सबसे पहले ये है कि अगर बारिशें टाइम से हो जाए तो इसकी रोकथाम में बड़ी सहायता मिलती है और जैसे कि अब देख ही रहे हैं कि बारिशें जो हैं वो काफ़ी अच्छी हो रही हैं, तो अब इसके इसका जो है वो खात्मा जो है वो आस्ते आस्ते होता जाएगा। इसके अतिरिक्त किसान भाइयों को ये भी सलाह दी जाती है कि जो समय समय पर अपने खेतों का जो है वो निरीक्षण करते रहें, अगर कहीं 2-4 पौधे उनको अफेक्टेड मिलते हैं तो उनमें से जो कीड़ा है वो उसके पौधे के ऊपर होता है तो उसमें उसको निकाल के उसको नष्ट कर दें, जमीन में दबा दें ताकि इसका जो है प्रसार प्रचार जो है वो ये कीड़ा आगे ना बढ़ सके, क्योंकि ये इसका जो लार्वा है वो पत्तों को खाता है फिर इसके वो जमीन में गिर के वहाँ सुंडी बना के फिर इसका वो जो है वो तितली बन जाती है। वो तितली जो है वो लगभग 100 किलोमीटर की स्पीड से जो है वो दौड़ती है, यानी एक दिन में वो 100 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है और जहाँ भी मक्की की फसल मिलती है उसके ऊपर गुच्छे के रूप में जो है अंडे दे देती है और उसमें से जो छोटे छोटे कीड़े निकलते रहते हैं और ये फिर बहुत नुकसान करते हैं और एक मक्खी एक दिन में लगभग 500 से 1,000 के बीच में जो है अंडा देती है एक तितली जो है इसकी। इसके तो एक तो किसान भाई अपने खेतों में जो है पक्षियों के बैठने की व्यवस्था करें, क्योंकि जगह जगह पर खूंटे गाड़े जैसे हमारा टी कैप्टन लेटर होता है इंग्लिश का उसके सेब में खूंटियाँ बनाए ताकि जो पक्षी है वो उसके ऊपर बैठे और उसकी नज़र सीधी पौधे के ऊपर रहे और वो उसको चुन के खा जाए। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर अंतिम स्थिति अगर 5-10% से ज़्यादा अगर नुकसान बढ़ता है तो उसकी स्थिति फिर आप केमिकल कंट्रोल की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए दवाइयाँ जो हैं वो उपलब्ध हैं मार्केट में, विभाग के पास भी हैं। क्लोरीपाइरीफॉस नाम की दवाई आती है, 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अजाडिरेक्टिन नाम की दवाई भी आती है तो उसका भी छिड़काव किया जा सकता है। थायोडी कार्ब करके दवाई आती है तो उसका भी जो है छिड़काव फसल के ऊपर किया जा सकता है। तो अगर इन चीज़ों का सभी का उपयोग करके जो है
हम इस कीड़े के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रमेश शर्मा है और मैं जीवन उत्साह न्यूज़ का मुख्य संपादक हूं। पिछले 2 वर्षों में हिमाचल के अलग अलग जिलों में काम करते हुए हम इस चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर आपने हमें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप निराश नहीं होंगे। भले आप 1 महीना इस चैनल को फॉलो करके देखिए, आपको मिलेंगे यहां जागरूकता से जुड़ी हुई वीडियो और आपके परिवार आपके समाज से जुड़ी हुई वीडियो। सर्च कीजिए जीवन उत्साह न्यूज़ फेसबुक पे और यूट्यूब पे।